आपने यहां से ब्लॉक को रिलीज कर दिया, ब्लॉक ग्राउंड पर पहुंच गया है, ठीक है ना। रफ वेज है, रफ वेज है, ध्यान रखो रफ वेज है, ठीक है। ऑन रीचिंग एट द पॉइंट बी स्पीड ऑफ द ब्लॉक कितनी आ रही है, वी बी आ रही है। तो आपको वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स निकाल, ठीक है, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स। बेटा इनको लिखना नहीं है दोबारा इन चैप्टर्स को, तो आपको यही सब कुछ समझ लेना है जाके, बस एक बार बिना देखे कर लेनी है प्रॉब्लम भी। 45 मिनट्स का लेक्चर, ठीक है ना। ये रूटीन अपना ब्रेक नहीं करना, जस्ट रफ पे एक बार अपनी तरफ से कर ली, कहीं मार्क है कुछ है या कॉपी रख लो, अच्छी चीज आप निकालते हो तो वो अलग से लिख लो, ठीक है ना। तो बाकी सारा आपको ये इसमें रखना है, रिकॉर्डेड भी है, ठीक है। धीरे धीरे ये बिल्कुल एक साइड पे भी इनलाइन हो रहा है बिल्कुल एकदम, कि वहां पे क्लिक करो आप तुरंत देख लोगे, ऐसे ढूंढने की भी जरूरत नहीं। तो यूट्यूब पे का डिस्ट्रेक्शन भी होता है, एक वीडियो देखते हो आप 10 और चलते हैं सर, वो सब आपको अवॉइड हो जाएगा, वो सब ये आपको बिल्कुल ऑर्गेनाइज वे में मिलेगा, ठीक है ना। तो फाइंड आउट वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स, ए से बी तक आपको फ्रिक्शनल फोर्स तक, फ्रिक्शनल फोर्स का वर्क निकालना। तो आप क्या करोगे, अब म्यू तो दे ही नहीं रखा, पहला आपका क्वेश्चन है सर म्यू तो था ही नहीं, मैं कैसे निकालता, तो ऐसे मत करना, ठीक है ना। अब आप ऊपर उठ चुके हैं, देखो आपसे वर्क वर्क पूछा है, तो आप क्या लगाओगे, एनर्जी थ्योरम्स आपकी सब कुछ दे सकती हैं आपको, ठीक है ना। यहाँ की स्पीड बता दी है उसने, यहाँ पे रिलीज करा है, कोई म्यू ही की जरूरत नहीं है आप, ठीक है। क्या लगाओगे, डायनेमिक्स लगानी नहीं है आपको, आपको एनर्जी इक्वेशन लगा, ए से बी तक जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं सबका वर्क डन, वेज फिक्स है आपको, ठीक है। तो जितना वर्क डन जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो आप बताओ कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, एम जी लग रहा है, नॉर्मल फोर्स लग रहा है, ठीक है, फ्रिक्शन लग रहा है। तो एम जी प्लस नॉर्मल फोर्स का तो जीरो हो जाएगा ना। हाँ, अब डिस्प्लेसमेंट और नॉर्मल, हाँ डिस्प्लेसमेंट और नॉर्मल एक दूसरे से 90 डिग्री पर, ठीक है। तो हमेशा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का डिस्प्लेसमेंट और जो नॉर्मल फोर्स है एक दूसरे से 90 डिग्री पर है, ठीक है, इसलिए उनका वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो क्या निकल के आएगा, एम जी का वर्क डन कितना है यहाँ से यहाँ तक, एम जी एच, कैसे भी जाए पहली बात हो चुकी है, एक हॉरिजेंटल लाइन दूसरी पोजिशन की हॉरिजेंटल लाइन बीच की डिस्टेंस, बस एम जी का वर्क, ठीक है, एम जी एच। फ्रिक्शन का आपसे पूछा ही है और स्पीड आपको दे रखी है यहाँ की और इनिशियल रिलीज किया था, देखो एक लाइन में, ठीक है ना। फ्रिक्शनल फोर्स का वर्क कितना आ गया, माइनस एम जी एच प्लस हाफ एम बी पी स्क्वायर। कोई डाउट किसी को यहाँ तक, बताइए बात क्लियर है एकदम। अच्छा यस मैंने सर, यहाँ बता रखा है, देखो फाइंड आउट द स्पीड यस विद सर, पार्टिकल स्ट्राइक द ग्राउंड, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक आपने प्रोजेक्ट किया तो कितनी स्पीड से स्ट्राइक करेगा, तो फिर वही कहानी, कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को भी, एयर रेजिस्टेंस या कुछ नहीं दे रखा, तो एक ही फोर्स है पूरी जर्नी में जो कि है एम जी, उसका वर्क क्या होगा यहाँ से यहाँ तक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी का चेंज, ठीक है। तो वही आ गया, किसी भी एंगल पर फेंको फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है ना। वीपी इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोजेक्शन एंगल थीटा, ठीक है। तो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन बेटा किसी को, बेसिक एप्लीकेशन है वर्क एनर्जी थ्योरम का, 99% यही लगती है, 1% केसेस है जहाँ पर एक्सटेंडेड फॉर्म अपन लगाएंगे तो ये बात करेंगे अपन पोटेंशियल एनर्जी पढ़ने के बाद, ठीक है। नहीं तो 99% तक प्रॉब्लम वर्क एनर्जी थ्योरम से आप एनर्जी की कर देते हो, ठीक है। जहाँ पर स्प्रिंग आ जाएगी वहां पर वो फॉर्म ज्यादा, एक्सटेंडेड एनर्जी फॉर्म ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ज्यादा जल्दी प्रॉब्लम कर देते, वहां पे भी ये नहीं लगेंगे तो लगेंगे लगेंगे तो कहाँ, एक्सेप्शन कुछ है ही, ठीक है। किसी भी सिस्टम पे सारे फोर्सेस का वर्क इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक।